मैं डॉक्टर आर आर कोची, सहायक प्राध्यापक, गवर्नमेंट नेहरू पीजी कॉलेज डोंगरगढ़ में पदस्थ हूँ। आज हम एमए सेकंड सेमेस्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कीन्स के व्यापार चक्र सिद्धांत के संबंध में डिस्कशन करेंगे। कीन्स की व्यापार चक्र सिद्धांत की अवधारणा को हम प्रमुखतः चार बिंदुओं में निर्धारित किया है। सर्वप्रथम हम कीन्स की व्यापार चक्र सिद्धांत के अंतर्गत परिचय को बताएंगे। इसके बाद कीन्स की व्यापार चक्र सिद्धांत की व्याख्या करेंगे और साथ ही कीन्स की व्यापार चक्र सिद्धांत की अवस्थाओं को देखेंगे और अंत में कीन्स की व्यापार चक्र सिद्धांत की आलोचनाओं के संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कीन्स की व्यापार चक्र सिद्धांत की अवधारणा की भूमिका या परिचय के संबंध में चर्चा करते हैं। वस्तुतः कीन्स ने व्यापार चक्र के संबंध में पृथक से कोई सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। उन्होंने अपने रोजगार सिद्धांत के सिद्धांत में ही व्यापार चक्र की अवधारणा को बताया है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जिनका प्रतिपादन सन 1932 में आय उत्पादन एवं रोजगार के सिद्धांत में वर्णन किया गया है। ये पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। 1930 की महान मंदी के पश्चात उन्होंने इस पुस्तक के अंतर्गत रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसी सिद्धांत में ही उन्होंने विकसित अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होने वाली आर्थिक उच्चावचन या आर्थिक अस्थिरता की दशाओं को बताया है कि किस तरह किन कारणों से आर्थिक उच्चावचन की दशाएं या स्थितियां उत्पन्न होती है। आइए अब हम देखते हैं कीन्स की व्यापार चक्र सिद्धांत की व्याख्या। कीन्स की व्यापार चक्र सिद्धांत को हमने एक चार्ट के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश किया है। ये देखिए, ये कीन्स के व्यापार चक्र सिद्धांत को हमने चार्ट के माध्यम से बताया है। जैसे कि कीन्स का मानना है कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का प्रमुख कारण प्रभावपूर्ण मांग में कमी का होना है। प्रभावपूर्ण मांग में कमी ही बेरोजगारी का प्रमुख कारण होता है और इस प्रकार प्रभावपूर्ण मांग राष्ट्रीय उत्पादन, कुल रोजगार आय एवं राष्ट्रीय आय के बराबर होता है और इस प्रकार प्रभावपूर्ण मांग
दो तत्वों से निर्धारित होता है, पहला है कुल मांग क्रिया और दूसरा है कुल पूर्ति क्रिया। यद्यपि कीन्स का मानना है कि कुल पूर्ति क्रिया अल्पकाल में स्थिर होती है, कुल मांग क्रिया ही रोजगार निर्धारण के अंतर्गत प्रभावपूर्ण मांग की कमी का प्रमुख निर्धारक होता है। कुल मांग क्रिया भी कीन्स के अनुसार दो तत्वों से प्रभावित होता है, पहले भोग क्रिया और दूसरा है विनियोग क्रिया। उपभोग क्रिया और विनियोग क्रिया से ही कुल मांग क्रिया निर्धारित होती है। चार्ट में हम देखते हैं कि उपभोग क्रिया भी उपभोक्ता की आय और उपभोक्ता की भोग पूर्ति से प्रभावित होती है। उपभोक्ता द्वारा उपभोग की मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ बढ़ती है और उपभोग पूर्ति के द्वारा भी उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग की जाती है। इसी प्रकार कुल मांग क्रिया का जो दूसरा निर्धारक तत्व है विनियोग मांग। विनियोग मांग को भी प्रभावित करने वाले दो तत्व हैं ब्याज की दर और पूंजी की सीमांत कुशलता। इन दो तत्वों से ही विनियोग निर्धारित होता है या विनियोग की मांग की जाती है। ब्याज की दर कम होने से विनियोग अधिक होता है और ब्याज की दर अधिक होने से विनियोग कम होता है। इसमें विपरीत संबंध है विनियोग और ब्याज की दर के बीच। ब्याज की दर कम होती है तो विनियोग अधिक की जाती है विनियोगकर्ता के द्वारा, और ब्याज की दर अधिक होने पर विनियोग कम की जाती है। विनियोग को निर्धारित करने वाला दूसरा तत्व है पूंजी की सीमांत कुशलता। पूंजी की सीमांत कुशलता ऐसा है, पूंजी की एक निश्चित इकाई के बदले में प्राप्त होने वाली प्रत्याशित लाभ है। अब देखते हैं कि इसके अनुसार ब्याज की दर भी दो तत्वों से प्रभावित होता है, पहला है तरलता प्रसंगी या मुद्रा की मांग और दूसरा है मुद्रा की मात्रा अथवा पूर्ति। मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के द्वारा ही ब्याज की दर निर्धारित होती है। अब हम देखते हैं पूंजी की सीमांत कुशलता जो विनियोग का दूसरा निर्धारक तत्व है। पूंजी की सीमांत कुशलता भी दो तत्वों से निर्धारित होता है, अर्थात पूंजी की सीमांत कुशलता की गणना भी दो तत्वों से की जाती है। पहला है पूंजी पर संपत्ति की पूर्ति कीमत, जिसको हम लागत भी कहते हैं। दूसरा तत्व है पूंजी पर संपत्ति की संभावित प्राप्तियां। तो इन दो तत्वों की तुलना के आधार पर ही पूंजी की सीमांत कुशलता ज्ञात की जाती है। यदि पूंजी की सीमांत कुशलता अधिक है तो विनियोग अधिक होगा, और यदि पूंजी की सीमांत कुशलता कम है तो विनियोग कम होगा। और पूंजी की सीमांत कुशलता की गणना का आधार ही ये दो तत्व हैं, पूंजी पर संपत्ति की पूर्ति कीमत और पूंजी पर संपत्ति की संभावित प्राप्तियां या प्रत्याशित आय। तो इस तरह से ये प्रभावपूर्ण मांग पर आधारित है रोजगार की अवधारणा।
आइए अब हम देखते हैं कि कीन्स के व्यापारचक्र सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। कीन्स के व्यापारचक्र सिद्धांत की तीन प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। पहला है आर्थिक क्रियाओं के उतार चढ़ाव में ब्याज की दर का कम महत्व है। जैसे कि हार्डरे ने अपने व्यापार चक्र सिद्धांत में कहा था कि ब्याज की दर में परिवर्तन ही आर्थिक क्रियाओं को संचालित करता है या आर्थिक उच्चोचन की दशाएं उत्पन्न होती है। लेकिन कीस ने का कहना है कि आर्थिक क्रियाओं के उतार चढ़ाव में ब्याज की दर का महत्व कम होता है। कीन्स के व्यापार चक्र सिद्धांत की दूसरी विशेषता है कि व्यापार चक्र का प्रमुख कारण या आर्थिक उच्चावचन का प्रमुख कारण पूंजी की सीमांत कुशलता में परिवर्तन है। पूंजी की सीमांत कुशलता ही कीन्स के अनुसार व्यापार चक्र उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है। यदि पूंजी की सीमांत कुशलता अधिक है तो आर्थिक तेजी आएगी, विनियोग अधिक हो किया जाएगा, और इसके विपरीत यदि पूंजी की सीमांत कुशलता कम है तो विनियोग कम होगा, आर्थिक मंदी की दशाएं उत्पन्न होंगी। इस प्रकार कीन्स के अनुसार आर्थिक उच्चावचन का प्रमुख कारण पूंजी की सीमांत कुशलता में परिवर्तन ही है। आइए अब हम देखते हैं कि कीन्स के व्यापार चक्र सिद्धांत की तीसरी प्रमुख विशेषता आर्थिक क्रियाओं में उपभोग की तुलना में विनियोग का अधिक महत्व है। कीन्स का मानना है कि आर्थिक क्रियाओं में उपभोग की तुलना में विनियोग का अधिक महत्व होता है, क्योंकि कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है वह अल्पकालीन रोजगार सिद्धांत है, और उनका मानना है कि उपभोग में परिवर्तन अल्पकाल में बढ़ाना संभव नहीं है, इसलिए विनियोग के माध्यम से ही, विनियोग की मात्रा बढ़ाकर ही रोजगार के अवसर जुटाए सकते हैं, और इस प्रकार विनियोग का अधिक महत्व होता है बजाय उपभोग के। अब हम देखते हैं कि इसके व्यापार चक्र सिद्धांत की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। कीन्स के व्यापार चक्र सिद्धांत की अवस्थाएं के अंतर्गत पहली अवस्था है ऊर्ध्वगति अथवा तेजी की अवस्था या दशा। कीन्स के अनुसार तेजी की स्थिति इस प्रकार उत्पन्न होती है। कीन्स का मानना है कि जब व्यवसाय या फर्म लाभ के प्रति आशान्वित होते हैं, व्यवसायी या फर्म लाभ के प्रति अधिक आशान्वित होते हैं, अर्थात पूंजी की सीमांत कुशलता अधिक होती है, तब विनियोग की मात्रा भी अधिक होती है। विनियोग की अधिकता से ही रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, रोजगार के अवसर बढ़ने से आय बढ़ती है, आय बढ़ने से वस्तुओं सेवाओं की मांग ही बढ़ती है, और ऐसी दशा में आर्थिक तेजी की दशा उत्पन्न होती है। और यदि इसके विपरीत यदि माने कि पूंजी की सीमांत कुशलता कम है तो व्यवसायी या फर्मों में निराशावादी दृष्टिकोण उत्पन्न होगा, वे लाभ के प्रति आशान्वित नहीं होंगे, हानि के प्रति अधिक आशान्वित होंगे, और विनियोग कम होगा, विनियोग कम होने से रोजगार के अवसर कम होंगे, रोजगार के अवसर कम होने से आय कम होगी, आय कम होने से उपभोग मांग में भी कमी आएगी, और इस प्रकार अर्थव्यवस्था मंदी की दशा में आ जाएगी।
इसके पश्चात हम देखते हैं कि विनियोग की मात्रा में वृद्धि, रोजगार एवं आय में वृद्धि, गुणा क्रियाशीलता से आय में कई गुना वृद्धि हो जाती है और अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति होती है। ये चक्र चलता है। हम देखते हैं कि इसके व्यापार चक्र सिद्धांत के अंतर्गत अवस्थाओं के अंतर्गत दूसरी अवस्था अधोगतीय मंदी की अवस्था। कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में अधोगतीय मंदी की स्थिति इस प्रकार उत्पन्न होती है, जब पूंजी की सीमांत कुशलता कम होती है तो व्यवसायी फर्म विनियोग कम करते हैं और किस ने यह बताया है कि पूंजी की सीमांत कुशलता में कमी के कारण क्या हैं। उन्होंने दो प्रमुख कारण बताए हैं पूंजी की सीमांत कुशलता में कमी के। पहला कारण है विस्तार की प्रक्रिया के साथ पदार्थों एवं उपकरणों के अभाव से उत्पादन लागत में वृद्धि होती है। दूसरा कारण है पूंजी की सीमांत कुशलता में कमी का औद्योगिक विकास के कारण उत्पादन की अधिकता एवं लाभ में कमी आती है। ये दो कारण हैं पूंजी की सीमांत कुशलता में कमी का। जब पूंजी की सीमांत कुशलता में इन दो कारणों से कमी आती है तो निराशावादी दृष्टिकोण उत्पन्न होते हैं व्यवसायियों में या फर्मों में, जिससे विनियोग की कमी होती है। विनियोग की कमी होने से उत्पादन के साधनों में बेकारी छा जाती है। बेकारी उत्पन्न होने से वस्तुओं की मांग में कमी आती है। वस्तुओं की मांग में कमी होने से गुणक की विपरीत दिशा में क्रियाशीलता होती है और अर्थव्यवस्था मंदी की ओर अग्रसर हो जाती है। अब हम देखते हैं किन्स के रोजगार सिद्धांत की तीसरी अवस्था पुनरुत्थान की अवस्था, रिकवरी की दशा। अवसाद के पश्चात प्रोफेसर किन्स ने के व्यापार चक्र सिद्धांत की पुनरुत्थान की दशाएं इस प्रकार की नियमित होती हैं। पूंजी की सीमांत कुशलता में वृद्धि होती है। मंदी के पश्चात कुछ ऐसे कारण उसे पूंजी की सीमांत कुशलता में पुनः वृद्धि दृष्टिगोचर होते हैं। इन तीन कारणों से अवसाद के पश्चात पूंजी की सीमांत कुशलता में वृद्धि देखने को मिलता है या देखा जाता है। पहला कारण है समय के साथ साथ पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनों की मांग में वृद्धि हो जाती है। यह पहला कारण है पूंजी की सीमांत कुशलता में वृद्धि का। दूसरा कारण है पूंजी की सीमांत कुशलता में वृद्धि का मजदूरी लागत में कमी आती है। मजदूरी लागत में कमी आने से सीमांत कुशलता या कहें कि पूंजी की सीमांत कुशलता में वृद्धि संभावित होती है। तीसरा कारण है पूंजी की सीमांत कुशलता में वृद्धि का कच्चे माल एवं पूंजीगत वस्तुओं की कमी, एक कीमतों में गिरावट, कच्चे माल एवं पूंजीगत वस्तुओं की कीमतों में गिरावट। तो ये तीन कारण हैं कि इसके अनुसार मंदी के पश्चात पूंजी की सीमांत कुशलता में वृद्धि की। इन तीन कारणों से पूंजी की सीमांत कुशलता में वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप व्यवसायी या फर्में लाभ के प्रति आसान्वित होते हैं, जिससे विनियोग में वृद्धि होती है। विनियोग में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार, साथ ही आय में बढ़ोतरी होती है और इस प्रकार अर्थव्यवस्था तेजी की ओर अग्रसर हो जाती है। तो ये है किन्स के व्यापार चक्र सिद्धांत की
तीन अवस्थाएं ऊर्ध्वगति या तेजी, अधोगति या मंदी, और तीसरी अवस्था पुनरुत्थान की अवस्था। इसके पश्चात हम देखते हैं कि कीन्स द्वारा प्रतिपादित व्यापार चक्र सिद्धांत की आलोचनाएं किन आधारों पर की गई है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने कीन्स की व्यापार चक्र सिद्धांत की विभिन्न आधारों पर आलोचनाएं की हैं। ये आधार हैं या बिंदु हैं। पहला बिंदु है जिसके आधार पर अर्थशास्त्री ने कीन्स की व्यापार चक्र सिद्धांत की आलोचना की हैं। पहला है पूंजी की सीमांत कुशलता, शब्द अस्पष्ट। जैसे कि कीन्स ने कहा है कि पूंजी की सीमांत कुशलता में परिवर्तन के कारण ही अर्थव्यवस्था में उच्च वचन की दशाएं उत्पन्न होती हैं, आर्थिक अस्थिरता की दशाएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन अर्थशास्त्रियों को कहना है कि पूंजी की सीमांत कुशलता अस्पष्ट है, कोई स्पष्ट व्याख्या कीन्स के द्वारा नहीं की गई है और इसकी गणना भी कठिन है। इसका कोई सही सही माप करना संभव नहीं है, इसलिए भी कीन्स द्वारा प्रतिपादित व्यापार चक्र सिद्धांत की आलोचना की जाती है। कीन्स के व्यापार चक्र सिद्धांत की आलोचना का दूसरा आधार है विनियोगकर्ता के मनोवैज्ञानिक धारणा पर आधारित। विनियोगकर्ता के मनोवैज्ञानिक धारणा पर आधारित होने के कारण इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। यदि विनियोगकर्ता यह सोचता है कि पूंजी की सुनता बढ़ रही है, पूंजी की सीमांत कुशलता में वृद्धि हो रही है, तो विनियोग अधिक किया जाएगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आय में बढ़ोतरी होगी और इस प्रकार आर्थिक तेजी की दशा उत्पन्न होगी। और यदि पूंजी की सुनता में कमी आती है तो ये विनियोगकर्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी मनस्थिति कैसी है, और विनियोगकर्ता की मन स्थिति का आकलन सही सही करना संभव नहीं है, इसलिए सिद्धांत त्रुटिपूर्ण है। कीन्स के व्यापार चक्र सिद्धांत की तीसरी आलोचना है सस्ती मुद्रा नीति अनुपयुक्त के आधार पर की जाती है। सस्ती मुद्रा नीति यदि की जाती है, अर्थात ऋण सस्ते किए जाते हैं, लोन सस्ते किए जाते हैं, तो विनियोग में परिवर्तन होता है। इस प्रकार की अवधारणाएं अनुपयुक्त है। आलोचना का तीसरा आधार है, चौथा आधार है सरकार नियंत्रण विनियोग नीति उपयुक्त नहीं। जैसे कि कीन्स की रोजगार सिद्धांत के साथ ही कीन्स की व्यापार चक्र की अवधारणा में कीन्स ने ये माना है कि अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण होना चाहिए, सरकार का नियंत्रण उपयुक्त है, बाजार को स्वतंत्र छोड़ना सही नहीं है, ये कहा है कीन्स ने। अर्थात सरकार का नियंत्रण अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से होना चाहिए, सरकारी नीति के आधार पर ही आर्थिक क्रियाओं का संचालन होना चाहिए। लेकिन अनेक अर्थशास्त्री मानते हैं कि ये सही नहीं है, सरकारी नियंत्रण पूर्ण रूप से उचित नहीं है। इस आधार पर भी कीन्स के व्यापार सिद्धांत की आलोचना की जाती है। आलोचना का अंतिम आधार है कीन्स के व्यापार सिद्धांत का कि व्यापार चक्र के आगमन के कारणों का उल्लेख नहीं। आलोचक अर्थशास्त्री मानते हैं कि कीन्स ने यह नहीं बताया है कि व्यापार चक्र के उत्पन्न होने का कारण क्या है, आगमन का कारण क्या है, उसका कोई स्पष्ट वर्णन इस सिद्धांत में नहीं किया गया है। इस आधार पर भी कीन्स की व्यापार चक्र सिद्धांत की आलोचना
यति है। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से स्टूडेंट्स अधिक लाभान्वित होंगे कि इसके व्यापार सिद्धांत को समझ गए होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। इसी प्रकार से हम अन्य वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेक्चर बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट